मॉर्निंग बच्चों, आज के हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड हैं। पिछली जो हमने वर्कशीट्स की थी उनमें आपने पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की, किसी बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये हमें दो एंगल दे रखे हैं, एंगल ए है एम डिग्री और एंगल सी है 3m डिग्री। ठीक है, तो इस हमें एम का मान निकालना है कि एम कितने डिग्री कितनी वैल्यू आएगी एम की। तो ये चतुर्भुज बनी हुई है एक तरह से ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें हमें एंगल ए दिया है एम डिग्री। ठीक है, ये हो गया एम। बी जो है ये हमारा 90 होता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो एंगल बी और डी जो है 90 डिग्री के हो जाएंगे और एंगल सी जो है 3m डिग्री का है और सबका सम, क्योंकि चतुर्भुज है इसलिए सबका सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे सबको, तो ये 4m = 360। इसको उधर ले जाओगे -180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। सॉल्व कर लेंगे इसको, 45 डिग्री आएगा। तो एम की वैल्यू आ गई 45। तो हमसे अगर एंगल सी निकालने को कहे तो 3 × 45 = 135 डिग्री। तो हमारे एम जो है 45 डिग्री हो गया और सी जो है 135 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी ऐसे ही दे रखे हैं, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं हमें और दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें दे रखा है एच जी। एक स्पर्श रेखा है, दूसरी आई जी है। एच जी की वैल्यू x+1 है और आई की वैल्यू 2x- आई जी की वैल्यू 2x-1 है, क्योंकि स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन जो है हमें x का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें x का मान यानी कि स्पर्श रेखाओं का मान निकालना है। वैसे तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती हैं किसी भी बाह्य बिंदु से, हमने ये थ्योरम पढ़ ली है। पिछले क्वेश्चन में भी यही थ्योरम हमने यूज की थी। तो दोनों की वैल्यू समान होगी, बराबर होगी, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, एच जी इक्वल टू आई जी होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस 10 को उधर लेके जाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो -x बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे -11 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 11 बचेगी। तो एच जी कैसे निकालोगे, जो एच जी की वैल्यू दे रखी थी उसमें x की वैल्यू पुट करोगे, 11 + 10 = 21। और अगली भी हमारी, क्योंकि दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी, तो इसको भी निकाल के ऐसे दिखा देंगे, दोनों की लेंथ जो है वो 21 यूनिट आएगी, क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो हम यूनिट लिख सकते हैं, इकाई का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इसमें भी यही थ्योरम हमें यूज करनी पड़ेगी और इसमें हमें एंगल दे रखा है डी। जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एंगल डी 120 डिग्री पर आपस में झुकी हुई है, 120 डिग्री का कोण बना रही है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया, ओ हमारा सेंटर है और ये ए पॉइंट दे रखा है और ये सी जिस पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो स्पर्श रेखा की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस दे रखी है, ओ ए 6 सेंटीमीटर, तो ओ सी भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों एक सर्वांगसम त्रिभुजें बनती हैं तो इनके एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ये अगर ये 120 का एंगल होगा तो दोनों आधे हो जाएंगे, ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है 90 डिग्री का होगा, तो जितना बचेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रही है तो ये वाला एंगल 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ओ ए को हमने आधार ले लिया, ये लंब है AD, तो ये लंब हो गई स्पर्श रेखा हमारी। और ये जो लाइन है OD, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, और ये लंब हो गया परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये
त्रिभुज में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ये एंगल 30 डिग्री है हमारा, तो लंब बटे आधार हमारा 10-30 होता है, ठीक है। लंब हमारा हमें निकालना है एडी, एडी को एडी रखोगे, आधार जो है 6 सेंटीमीटर है, 10-30 डिग्री 1/√3 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, एडी जो है एडी इक्वल टू 6/√3, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6√3/3, इससे काट दोगे इसको तो 2√3, ये हमारी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होगी। सेंटीमीटर में है, यूनिट कुछ भी लगा सकते हो आप, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड थे, मैं उम्मीद करूँगी कि सबको समझ आएगी।